नमस्कार दोस्तों, बाइक वाला सुबिने में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि TVS XL वाला अगर आपके पास मोपेड है तो उसका जो इंजन ऑयल है वो किस प्रकार से हमें चेंज करना होता है, इंजन ऑयल चेंज करने का पूरा प्रोसेस और कुछ छोटा मोटा जानकारियाँ मैं इस वीडियो में टोटल डिटेल दिखाऊँगा। तो चलिए सीधा आपको दुकान की ओर ले चलते हैं और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल जो है आपको दिखा देता है। तो चलिए मेरे साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि TVS XL वाला जो आपका मोपेड है, मेरा तो आपका मॉडल जो है वो आपका BS3 का है, TVS XL हैवी ड्यूटी, इसमें आपका जो इंजन का ऑयल है उसको कैसे चेंज कराना है और किस प्रोसेस से आपका चेंज होता है, तो इसके हिसाब से आप देख लगते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरा जो गाड़ी है BS3 TVS XL हैवी ड्यूटी, इसका आपका जो इंजन ऑयल है मैं आज आपको यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ इसका। तो इसका अभी खोला जा रहा है, TVS XL हैवी ड्यूटी का वाला जो मॉडल आपका कोई सा भी मॉडल हो सकता है, पर इसमें जिस गाड़ी में कार्बोरेटर वाला आपका वर्जन है, कार्बोरेटर आपका इंजन रहता है उसमें आपका बेसिकली जो है इंजन ऑयल को चेंज करने का जरूरी होता है। तो मैं आपको जैसे कि बताया हूँ मेरा पहले वाला वीडियो में भी कि आपका अगर गाड़ी जैसा कि आपका TVS XL का इंजन हो, इसमें आपका टू स्ट्रोक वाला गाड़ी हो, तो बेटर होगा कि आपको सेमी सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल जो है वो वाला डालेगा। मैं आपका ज़्यादातर सेमी सिंथेटिक ऑयल आपका यूज़ करता हूँ क्योंकि आपका जो ठंडा के दिनों में है और गर्मियों के दिनों में है इसका जो विस्कोसिटी है तो उसमें आपको पार्टी आपका मतलब कारगर साबित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कुछ रेंज यूज़ किया जाता है बेटा, 12 नंबर का जो आपका रेंज है ये आपका यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो डस्ट टीवी यूज़ कर सकते हैं, इस वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट को खोलने के लिए, उस पॉइंट से भी आप चेकिंग करके देख सकते हैं कि कितना मतलब क्वांटिटी में अभी आपका ऑयल प्रेजेंट है। पर मैं डायरेक्ट चेंज करा रहा हूँ तो इसलिए मेरा वो चीज़ करने का ज़रूरत नहीं हो रहा। ये आपका अभी देखिए जो है वो मोबिल को मैं चेंज करने वाला हूँ, और तो चेंज यहाँ पर आपका जो पुराना मोबिल है ये आपका हो रहा है। मैं जो इसमें आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप चाहे तो कभी भी आपका जो इंजन ऑयल है वो चेंज करा सकते हैं, पर बेटर होगा कि अगर आपका 3000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद अगर आप ऑयल चेंज करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। या आपका अगर गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो अगर थोड़ा काला पड़ गया है तो आपका चेंज कराइए तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि 2500 किलोमीटर के बाद ही चेंज करा देता हूँ, तो ये मेरा गाड़ी का जो इंजन है इंजन के लिए बेटर होता है। आप एक साउंड होता है, साउंड को सुनकर भी आप पता कर सकते हैं कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कितना मात्रा में है, क्या कुछ है गाड़ी में। एक आपका जो आवाज़ है, आवाज़ में थोड़ा आपका परिवर्तन आ जाएगा, तो ये बात है। तो देखिए अभी आपका ये पूरा का पूरा खाली होगा, उसके बाद जो है आपका नया जो इंजन ऑयल है और डाला जाएगा। मैं बेसिकली आपका जो इंजन ऑयल है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मेरे हिसाब से सर्वो आपका जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, सर्वो 40। इसके अलावा आपका वेल्बोनिन का जो इंजन ऑयल होता है, शेल होता है, 20WY40 जो सेमी सिंथेटिक ऑयल है, या 10WY40 जो होता है वो वाला भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं मिनरल ऑयल। देखिएगा कि कौन सा आपका लिए गाड़ी के लिए बेटर होगा। मैं कोई भी आपका कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपका इंजन ऑयल कंपनी का आपको अच्छा लगे उसको ये डलवाइएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने देखे शायद दोस्तों कि अगर गाड़ी को आपका टोटल खाली हो जाने के बाद गाड़ी को थोड़ा बहुत हिलाना पड़ता है दाएं बाएं तरफ, इसमें क्या होता है अगर कुछ भी रहा उसमें आपका जो इंजन ऑयल का थोड़ा सा भी मात्रा उसमें अगर रहा तो आपका टोटल खाली हो जाता है और आपका आसानी से ये वाला पूरा का पूरा देखिए निकल जाता है। और ये आपका एक कटोरा में ये सब आपका जमा करते हैं और इसको आपका एक जो फाँका डब्बे में है वो मैं भर के घर में ले चले जाऊँगा। ये बहुत सारा कामों में आता है, जैसे कि आपको दिए जलाने में, आपका दिवाली के टाइम में इसमें दिए भी जला सकते हैं। मैं आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ से दे रहा हूँ मेरे तरफ से, तो वही बात है। ये जो आपका जला हुआ मोबिल है काफ़ी कामों में आता है, बाद के बहुत ही सारा वीडियो में मैं इसको भी दिखाऊंगा कि ये आपको कहाँ कुछ क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप मत फेंकिए, ये आप रख दीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गाइस, मेरा आपका डाला खुल चुका है। इसमें बेसिकली आपका 10T आपका जो रेंज है, ये वाला जो आपका रेंज है ये वाला मैंने यूज़ किया है, 10T वाला रेंज।
और ये जो आपका है फोर वे आपका स्क्रू ड्राइवर जो है ये वाला मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये दोनों आपका यूज़ करने के बाद जो है ये गाड़ी का भी जो आपका इंजन ऑयल है इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो आपका छोटा वाला नट है उसको खोला जा रहा है। इसमें क्या होता है कि वहाँ पर गाड़ी में जितना आपका क्वांटिटी में ऑयल है उसका डेंसिटी को आपका चेक किया जाता है। जब आपका ये ऊपर से डाला जाएगा तब आपका एक्सेस जो ऑयल होता है जब भर जाने के बाद वो एक्सेस ऑयल आपको यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। तो इसमें आपको क्या मैं समझ पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में आपका भरा है इसका आपका डेंसिटी को आप समझ पाएंगे। तो यही वाला बात है। और देखिए अभी आपका ऑयल डाला जा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑयल डाला जा रहा है। मैं देख सकते हैं आपका यहाँ पर कि 20W40 सर्वो का या 40 ऑयल है। मैं यहाँ पर आपका दे रहा हूँ मेरा गाड़ी में। एक आपका चीज़ है देखिए आपका यहाँ पर नीचे यहाँ से निकल रहा है एक्सेस ऑयल जो है आपका। इस हिसाब से आप चेक कर पाएंगे कि कितना ऑयल आपका डाला गया है। और यहाँ पर एक चीज़ आपका जरूर देख लीजिएगा कि जो आपका ऑयल डाला कम्प्लीट हो जाए यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो है एक्सेस ऑयल जो है वो ना निकले, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ये वाला बात है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, देख सकते हैं कि ऊपर आपका जो लगाने के बाद भी एक्सेस ऑयल जो है वो ऊपर से और थोड़ा डाला जा रहा है। इसे तकरीबन आपका जो डब्बे के हिसाब से है अगर आप देखें तो इसे तकरीबन आपका हाफ डब्बे के मतलब अगर ये आपका 900 ml का हुआ तो इसमें तकरीबन ये आपका आधा जो डब्बा है इसमें खाली हो जाता है। इसमें देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत आपका अभी मोबिल है और हाफ डब्बा इसमें आपका खाली हो ही गया है और अभी आपको ये लगाया दिया जाएगा। तो ये बात है, इसी हिसाब से आपका सिंपल काम है। इसी हिसाब से आपका जो इंजन ऑयल है कार्बोरेटर वाला जो वर्जन है उसमें आपका चेंजेस होता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया कितना क्या कुछ क्वांटिटी में इसे दिया जाता है। यही बात है। और देखिएगा कि जिस दुकान में लगाए वो आपका भीतर वाला जो हिस्सा है जहाँ पर आप मोबिल डाल रहे हैं तो जिस जगह पर इंजन ऑयल उस जगह का अच्छी तरीके से साफ सफाई हो तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आपका जो एक्सेस मैल है वो भीतर की तरफ चला जाएगा। यही बात है। सो गाइस मेरा जो डाला है अभी आपका टोटल लगने वाला है और ये लगने आने के बाद ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और आज तक के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दिया कि किस तरह से आपका जो गाड़ी का इंजन ऑयल है उसको आप चेंज कर सकते हैं TVS XL के हेवी ड्यूटी के केसेस में। सो गाइस ये था आपका इंजन ऑयल चेंज करने का पूरा प्रोसेस जो कि मैंने आपको दिखाया कि इंजन ऑयल किस प्रकार से चेंजेस होता है। आशा करते हैं ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। TVS XL के रिलेटेड इस टाइप का और भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्त लोगों के साथ फैमिली के साथ या जिसको इसका ज़रूरत है इस टाइप का TVS XL रिलेटेड वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।